हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार दाकर स्वागत करता हूं आपका राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूं नए टॉपिक्स और नई सीरीज के साथ। दोस्तों, ये ADA असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए टेस्ट सीरीज है और इसका पहला क्लास है, तो आप इसको कंप्लीट देखिए और यकीन मानिए हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि पीछे हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में स्पेशल डिस्कशन कराएंगे। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। द रिक्वायर्ड डोज ऑफ NPK kg पर हेक्टर फॉर वीट। तो इसमें ये क्या पूछ रहा है कि NPK का kg पर हेक्टर में वीट के लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, वीट ग्रैमिनी कुल का है, तो इसको ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो आप 10, 20 और 30, 40 केजी, तो ये तो क्वेश्चंस देखते ही आपको नेगेटिव कर देना है। तो आप देखिए, यहाँ पर 30 केजी दिख रहा है, 40 केजी नाइट्रोजन दिख रहा है, तो ये तो सी और डी तो पहले ही कैंसिल हो गए हैं। अब अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, 80 केजी तो 80 केजी तो मोस्ट ऑफ के लिए नॉर्मल होता है एक्सेप्ट लेग्यूमिनस, तो ये 120 केजी, 40 केजी, दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। मींस 120 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर चाहिए और P2O5 40 केजी पर हेक्टेयर चाहिए, लेकिन इसमें पोटेशियम की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। तो इसमें पोटेशियम क्या है दोस्तों, जीरो है। याद रखिए, पोटेशियम की मात्रा बहुत कम मानी जाती है, इसीलिए आप देखते हो कि हम खेतों में अक्सर मोस्ट भी गेहूं में DAP रिकमेंड करते हैं, सॉरी यूरिया और DAP मिक्स करके रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPK कंटेंट ऑफ DAP आर। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि DAP में NPK कितना होता है। तो दोस्तों, ये तो सबको मालूम होगा कि 40-40, 18-40 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स इसमें नाइट्रोजन जो होता है, क्योंकि ये डाई अमोनियम फास्फोरेट है, तो हमें फॉस्फोरस इसमें ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि 40, अब 40-18 नहीं कर देना है, ये 18-40 है। 18% नाइट्रोजन होता है और 40% P2O5 होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज बाय। वो पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर होते हैं, इनकी इफिशियंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, सल्फर कोटेड यूरिया होते हैं आजकल, यूरिया सल्फर ग्रेन्यूल्स होते हैं, BGA होते हैं, लेकिन ये इसमें आजकल एक और आता है, नीम कोटेड यूरिया आता है। वो अगर सल्फर कोटेड और नीम कोटेड जो दोनों होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसकी इफिशियंसी बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये स्लो रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, स्लो रिलीज करते हैं फर्टिलाइजर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकल इज अ क्रॉस बिटवीन। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सबको मालूम है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग जब क्रॉस पूछते हैं तो इसमें कभी कभी कुछ उल्टा ही लगा देते हैं, कहीं ओट लगा देगा, कोई कोई बार्ले लगा देगा, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या है दोस्तों, बीट इंटू राई इज द करेक्ट आंसर। ट्रिटिकल के बारे में पूछ रहा है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं PSC में दोस्तों, PSC में बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं आता है, आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना है, बट आपको सब कुछ अच्छा पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलेरिस माइनरिस बिलोंग टू द फैमिली। आपको पता है, गेहूं की जैसा ही दिखता है और उसी के जैसा होता है, हल्का फुल्का, मीन्स इसको लगभग ग्रैमिनी कुल में ही आता है, तो इसका जो क्या है, फैमिली ग्रैमिनी कुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रोन लॉसेस इन राइस कैन बी रिड्यूस बाय प्लेसिंग अमोनियम फर्टिलाइजर इन। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि नाइट्रोन का लॉस कम करने के लिए राइस के फील्ड में जो अमोनिया फर्टिलाइजर हम जो डालते हैं, वो कौन से जोन में हमें प्लेस करना है। ऑक्सीडाइज जोन, रिड्यूस जोन, बोथ और नन, दोनों तो नहीं होता है ना, ये दोनों को ऑप्शन तो हट गए हैं। अब अगर हम ऑक्सीडाइज जोन में डालेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, तो दोस्तों हमें ये अवॉइड करना है ये जोन। तो हमें किस में यूज करते हैं, रिड्यूस्ड जोन में करते हैं। किस में दोस्तों, रिड्यूस्ड जोन में इसको यूज करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन।
दोस्तों बहुत है, वीट पोटैटो, तो पोटैटो तो आता नहीं है, वीट राइस टी कॉफी नहीं आएगा, बार्ली राइस नहीं आएगा, तो वीट एंड राइस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज इंश्योर्ड इन, तो दोस्तों रिकॉर्ड प्रोडक्शन का मीनिंग ये होता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन किस सन में से देखा गया है, तो दोस्तों जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन 2011-12 में हुआ था, ये बहुत अच्छा साल था देश के, इसमें काफ़ी, इसलिए दोस्तों इसको फाइनेंशियल ईयर बना दिया गया था, तो इस बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ 2011-12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकीओची डिसीज इन राइस इज द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय, तो अकीओची जो डिसीज है राइस का, किसकी टॉक्सिसिटी से होता है, मीन किसकी अधिकता के कारण होता है, तो दोस्तों किसकी अधिकता के कारण होता है ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड किससे होता है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड के अधिकता के कारण होता है। दोस्तों आपको याद होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है ये, एट pH 4 द प्रीडोमिनेंट आयन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इज, तो इसमें ये पूछा है कि pH 4 पर फॉस्फोरस का सबसे कौन सा डोमिनेंट फॉर्म होता है इनमें से, तो दोस्तों जैसे जैसे pH इसका बढ़ता जाता है तो क्या होता जाता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है कम होता जाता है, तो जो हाइड्रोजन आयन कम होते जाते हैं, तो जैसे कम pH होगा तो हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन इसके हिसाब से कौन सा बनेगा, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है, H2PO4, कौन सा दोस्तों, H2PO4, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इरिगेशन ऑफ द वीट क्रॉप शुड बी गिवन एट, तो दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या है, CRI का जो फुल फॉर्म है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, तो दोस्तों जो सबसे जो इसका आंसर है क्या है, CRI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलेरस मैनरिस इन वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय, तो दोस्तों जो फेलेरस मैनरिस होता है वीट में वो किससे कंट्रोल होता है, आइसो प्रोटूरॉन, किससे होता है दोस्तों, आइसो प्रोटूरॉन, आपको मालूम है कि ये आइसो प्रोटूरॉन क्या होता है, माइनर वीट, माइनर जो ब्रो लीप्स वीट होते हैं उनके लिए होता है, जबकि 2,4-DiCl के लिए होता है, ब्रॉड लीप्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट वेट ऑफ फेलेरस माइनरिस इज, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट वेट क्या होता है, तो दोस्तों जो इसका आंसर क्या है, 2 ग्राम, इसका टेस्ट वेट कितना है, 2 ग्राम, मीन्स 2 ग्राम जो वीट है ये इसका। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि टेस्ट वेट क्या होता है और सीड इंडेक्स क्या होता है, दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई एक बार इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप मुझे अभी इमीडिएट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूंगा। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च इज लोकेटेड एट, तो दोस्तों जो डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च कहाँ पर स्थापित है, तो ये तो सबको मालूम है करनाल हरियाणा में है, दूसरा दोस्तों जो हैदराबाद में मैनेज है, नार्म है, और पर्ल मिलेट का, आई थिंक पर्ल मिलेट का भी है, दूसरा इक्री सेट है, इस इतने सारे जो रिसर्च सेंटर हैं वो हैदराबाद में है, बीकानेर में तो एरिड का है, दूसरा न्यू दिल्ली में बहुत सारे हैं, IRI है, ICR है, NBRI है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, द साइंटिफिक नेम ऑफ नोबल कैन इज, तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोबल कैन क्या है, सेकेरम ओपिसिनिलम, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ पर है दोस्तों, इसका ओरिजिन है न्यू गिनिया, कहाँ पर है, न्यू गिनिया, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, तो दोस्तों ये सेकेरम स्पॉन्टेनियम जो है ये एक ग्रास है, सेकेरम स्पॉन्टेनियस में ग्रास है, ये कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं होता है, सेकेरम बारबरी
ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो किया जाता है और इसका ओरिजिन भी इंडिया है, और सेकेरम साइनेंसिस इसका ओरिजिन चाइना है, और ये इनमें मीडियम शुगर होता है, जैसे सेकेरम ऑफिस में हाई शुगर और लो फाइबर होता है, बट ये सेकेरम बारबेरी सेकेरम साइनेंसिस में इनमें हाई फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सेकेरम ऑफिसिनम इज अ नेटिव ऑफ सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो देखो दोस्तों इसका क्या है, न्यू गिनिया, तो इंडिया चाइना में आपको बता दिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन। दोस्तों प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो इसमें तमिलनाडु आता है प्रोडक्टिविटी में, और आप याद रखिए तमिलनाडु प्रोडक्टिविटी में आता है, आई थिंक 100 टन पर हेक्टेयर इस निकालता है इंडिया में। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एकरेज इन हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन कंट्री। तो दोस्तों अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो यूपी का है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर परमानेंट टाइप ऑफ शुगर केन सेट्स। तो दोस्तों इसका सेट सेट रूट्स, शूट रूट्स, प्रॉप रूट्स और ऑल ऑफ द, दोस्तों आंसर बी है इसका, शूट रूट, क्योंकि जो शूट से निकलते हैं इसलिए शूट रूट बोलते हैं। प्रॉप रूट उनको बोलते हैं जो हवा में झूलती रहती हैं और जो जो कि बरगद में होती हैं। सेट रूट अगर हम किसी शुगर केन को छोटे छोटे पीस में सेट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उस टाइम जो रूट्स निकलेगी उसको सेट रूट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर है शूट रूट्स, बी इज द करेक्ट आंसर। द इन्फ्लुएंस ऑफ शुगर केन इज नॉन एज। तो दोस्तों इसमें एरो बोलते हैं, एक्चुअली ये पेनिकल होता है लेकिन जो स्पेशल पेनिकल होता है इसलिए इसको एरो बोलते हैं। तो ये ब्रांच्ड पेनिकल होता है, एरो क्या होता है दोस्तों, ब्रांच्ड पेनिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट सूटेड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन इज लाई बिटवीन। दोस्तों शुगर केन के लिए एवरेज टेम्परेचर लगभग 27, 28, 28 डिग्री है, तो इसमें हम देखते हैं 15 से 20, 20 से 25 नहीं है, 26 से 32 हो सकता है, 32 से 35 ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर 30 डिग्री कहीं कहीं लिखा आता है तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AICRP ऑन शुगर केन वाज स्टार्टेड इन, ये दोस्तों इसका आप सबको मारा 1971, और सबसे पहले मेज के लिए शुरू शुरू किया था 1956, आई थिंक 1956। 8 साली शुगर केन इज प्लांटेड, 8 साली की बात हो रही है दोस्तों, 1 साली और उसकी बात नहीं हो रही है, इसमें किसकी बात हो रही है, 8 साली की बात हो रही है। तो 8 साली का प्लांटिंग कब करते हैं, जुलाई अगस्त में करते हैं, इसकी प्लांटिंग कब करते हैं, जुलाई अगस्त में, और जो जनवरी एंड फरवरी में करते हैं वो कौन सा होता है दोस्तों, 1 साली होता है, कौन सा होता है, 1 साली, जनवरी फरवरी में करते हैं 1 साली, मतलब 1 साल के लिए। और दोस्तों जो बट ये जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी ये दोनों साउथ इंडिया में होता है, 8 साली और 1 साली, बट नॉर्थ इंडिया में जो जनरली प्लांटिंग करते हैं वो ऑटम, ऑटम जो क्रॉप होता है अक्टूबर नवंबर में उसमें करते हैं, अक्टूबर में नॉर्थ इंडिया में। तो याद रखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप तुरंत उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कितने नंबर ऑफ सेट्स 1 हेक्टेयर में जरूरत होती है शुगर केन के, मीन सीड रेट इन सेट्स पर हेक्टेयर कितना होता है शुगर केन का, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीड पर्पस बिकॉज बड टिश्यू आर रिच इन। तो आपको दोस्तों अच्छे से मालूम है कि जो ऊपर का 1/3 पार्ट होता है वो मीन्स मान लो 50% से ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत उसमें जो जर्मिनेशन होता है रूट्स का, जो रूट का स्प्राउटिंग होता है बहुत अच्छा होता है, इसीलिए उसका सही आंसर क्या होगा, ग्लूकोज। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर आपको याद कर लेना चाहिए इसको, ये इसका तो इसका सही आंसर है पोटेशियम।
दोस्तों कहीं कहीं आपको बोरोन भी दूसरे पेड़ों में शुगर ट्रांसलोकेशन का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम है शुगर केन के लिए। विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन? तो दोस्तों शुगर केन की बात हो रहा है, तो शुगर केन कौन सा होता है? फॉर्मेटिव स्टेज। किस कौन सा होता है दोस्तों? फॉर्मेटिव स्टेज। जर्मिनेशन में भी इतना नहीं है, ग्रांड ग्रोथ फेज, लेकिन फॉर्मेटिव स्टेज द क्रिटिकल स्टेज। मोस्ट क्रिटिकल वीट कंपिटिशन पीरियड इज अप टू कितने महीने? मंथ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एग्जिस्टिंग शुगर केन। तो दोस्तों ऐसा पूछा, मोस्ट क्रिटिकल वीट कंपटीशन मतलब सबसे ज्यादा वीट का लॉस और वीट का कंपटीशन कितने महीने में होता है ट्रांसप्लांटिंग के? तो दोस्तों ये 4 महीने की जब फसल हो जाती है तो उस टाइम सबसे ज्यादा वीट की कंपटीशन होता है। अगर उस टाइम वीट को नहीं निकालेंगे तो बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन शुगर केन। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमेजान भी कर सकते हैं, अट्टाजान भी कर सकते हैं, अलाकलर भी कर सकते हैं, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप इसको याद रखिए, सिमेजान और अट्टाजान बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सीरियस डिसीज ऑफ शुगर केन। दोस्तों आपने देखा होगा गन्ने में जब अपन खाते हैं गन्ने को तो उसमें रेड रेड जैसा निकलता है, उसको रेड रॉट बोलते हैं। ये जो रेड रॉट डिसीज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। हाउ मेनी सेट्स आर नीडेड फॉर प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन? दोस्तों दिया है ये 35 से 40 हज़ार सेट्स पर हेक्टेयर चाहिए होते हैं। अभी मैंने आपको पूछा था, अगर आपने कमेंट करके बताया तो मैं आपकी कमेंट चेक करता हूँ और आपको तुरंत उसका आंसर दूंगा। ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज यूज्ड इन। ट्रेंच मेथड की बात हो रही है दोस्तों कि ट्रेंच मेथड कहाँ पर है? तो ट्रेंच मेथड जो होता है कोस्टल रीजन के लिए सुटेबल होती है। किसके लिए दोस्तों? कोस्टल रीजन के लिए। लेकिन अगर अदर पार्ट्स में देखते हैं तो रीजन फ्यूरो मेथड सबसे बेस्ट होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट, विथ टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोन एप्लीकेशन शुगर कंटेंट इन जूस इज। तो दोस्तों अगर ज़्यादा अपन खाद डाल देंगे, नाइट्रोन खाद डाल देंगे, यूरिया डाल देंगे, तो जो शुगर कंटेंट होता है जूस में वो घट जाता है। तो इज द करेक्ट आंसर, शुगर कंटेंट क्या होता है? कम हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इप्रिकेनिया मेलानोल्युका इज द पैरासिटॉइड इफेक्ट अगेंस्ट। तो दोस्तों जो पैरासिटॉइड है ना वो शुगर किन सिल्ला के लिए है। किसके लिए? शुगर किन सिल्ला। अगर इस पैरासिटॉइड को हम यूज करेंगे तो वो शुगर किन सिल्ला को डैमेज कर देगा, उसको मार देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेसिस्टेंस इज प्रेजेंट इन क्रॉप वेराइटी शोइंग हाई डिग्री रेसिस्टेंस टू अ पैथोजन बट बिकमिंग ससेप्टेबल टू इट आफ्टर लार्ज स्केल कल्टिवेशन फॉर 4 to 5 ईयर्स। दोस्तों ऐसा कौन सा जो रसिस्टेंट है जो बहुत डोमिनेंट होता है बट 3, 4 से 5 साल के बाद वो धीरे धीरे क्षरण हो जाता है, कम होता है। तो ऐसे रसिस्टेंट को क्या बोलते हैं? वर्टिकल रसिस्टेंट बोलते हैं। किससे बोलते हैं दोस्तों? वर्टिकल रसिस्टेंट बोलते हैं। जो आजकल जो क्रॉप में आता है, जो नई वराइटीज में आता है, वर्टिकल रसिस्टेंट आता है तो 4-5 साल के बाद कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन इज मोस्ट कोर्स? मोस्ट कोर्स कौन सा है इनमें, मसल जो कोर्स सीरियल्स जो होते हैं तो इनमें से कौन सा जो मिलेट है, कोर्स मिलेट है, ये सभी मिलेट्स हैं दोस्तों। तो कोर्स कौन सा है इसमें फूड ग्रेन्स में? तो इसमें जो सही, इसका सही आ रहा है पास्पालम स्क्रोबिकुलेटम। डी इज द करेक्ट आंसर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कोडो मिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडो मिलेट। और जो ए में है पेनिकम मिलेनियकम, इसको क्या बोलते हैं? घबराहट मिलेट और प्रोसो मिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? प्रोसो मिलेट बोलते हैं, प्रोसो मिलेट। तो ये बहुत ज्यादा है। और सेटेरिया इटालिका का तो आप सब जानते ही हैं दोस्तों, इसको फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं। क्या? फॉक्सटेल मिलेट, सेटेरिया इटालिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है?
बाजरा में ईयर हेड करेक्ट है, कॉटन में प्री फ्लावरिंग करेक्ट है, वीट में क्राउन रूट इनिशिएशन करेक्ट है, ग्राउंडनट में पेगिंग होता है, पेगिंग इनिशिएशन पोड डेवलपमेंट है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, तो दोस्तों क्या लगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, तो जो फ्लैग लीफ होते हैं वो कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस करता है, तो दोस्तों जो फ्लैग लीफ सबसे ज्यादा करता है, तो इसका आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट, 52%। फ्लैग लीफ सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये मेन लीव्स होते हैं, तो 52% होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ एक्सेसिव मॉइस्चर एंड ड्रॉट, आपको मालूम होगा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ज्यादा बारिश होने से कौन से क्रॉप गल जाती है, जैसे बीज आपको पता है कि थोड़ा सा भी बारिश हुई गल जाएगी, और अगर पानी कम पड़ेगी तो छोटा छोटा रह जाता है, एकदम छोटा छोटा रह जाएगा, एकदम डॉर्फ ब्रेड जैसा रह जाएगा, और ये अच्छे यील्ड भी नहीं देगा। तो आपको पता, राइस का, सोगो, सनफ्लावर, ये सभी को इतना फर्क नहीं पड़ता है, मेज इज द करेक्ट आंसर। अट्राजाइन यूज्ड एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट, तो जो दोस्तों अट्राजाइन होता है वो उसको एंटी ट्रांसपेरेंट की जगह हम बहुत कम लो कंसंट्रेशन में यूज कर सकते हैं, तो उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, रूट्स द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप नहीं होती है, डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द प्लांट सरफेस, ये भी नहीं है, अफेक्ट द क्लोजर ऑफ क्लोजिंग क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये क्लोजर नहीं है, क्लोजिंग होना चाहिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, फॉर्मल थिन लेयर भी नहीं करता है। दोस्तों आपको मैंने पिछले क्लास में स्टोमेटा के इंट्रांसपेरेंट्स पढ़ा दिए हैं, आप पिछला क्लास देख लीजिए, आप हमारे सारे वीडियो देखोगे, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। दोस्तों अभी कोरोना का टाइम है, तो ऐसे में हम लोग घर बैठ के पढ़ते रहें, प्लीज़ घर से बाहर नहीं जाएं, अपने माता पिता का ख्याल रखें और अपने आस पड़ोसी लोगों का भी ख्याल रखें, बट सोशल डिस्टेंसिंग का और जो सरकार के नियमों का कड़े से पालन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फीट्स एंड क्रॉप इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस्ट्रिगा होता है वो शुगर के सोरगम में होता है, आपको मालूम है कि इसी का इसी के ऊपर निर्भर रहता है, इसका पैरासाइट है, कस्टर्डा जो होता है ये रूट पैरासाइट है दोस्तों, ये लूसर्न में होता है, और ये टाइफा होता है, ये दोस्तों ये गलत आंसर है, टाइफा शुगर केन में नहीं होता है, ओरोबैंक के ब्रिंजल फैमिली में आता है, ब्रिंजल और टोबैको के ऊपर आता है, तो ये भी करेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अट्राजाइन इफेक्टिवली कंट्रोल ग्रास इन मेज फील्ड विदाउट कॉजिंग हार्म टू द क्रॉप प्लांट एज ए डिग्रेडेशन ऑफ द केमिकल इन मेज प्लांट ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो अट्राजाइन कौन सा ऐसा केमिकल और एंजाइम होता है जिससे ये मेन प्लांट को हार्म नहीं कर सकता है, तो दोस्तों इसको नाम है जीसस एंजाइम, तो आपको मैं इसका फुल फॉर्म पूछना चाह रहा हूँ, जीसस एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है, आप प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ ही इसका आंसर करें, बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं बट बताओ तो क्वेश्चन क्वेश्चन होता है तो पूरा लिखें तो हमें को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम वापस मुझे रिवीजन करना देखना पड़ता है क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो हर्बिसाइड, तो दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो हर्बिसाइड, मतलब माइक्रो हर्बिसाइड कौन सा है इनमें से, तो जो माइक्रो हर्बिसाइड है तो कौन सा है, कोलेगो है, कौन सा है दोस्तों, कोलेगो, तो ये डाइक्वेट माइक्रोड, ये माइको नहीं है, तो ये है माइको हर्बिसाइड कौन सा है, कोलेगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, तो दोस्तों देखो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको कैसा क्रॉप रोटेशन देखना, आप एक तथ्य जान लीजिए कि उसमें कम से कम ईयर में एक या दो बार अपना जो पल्स क्रॉप जो हैं, जो लेगुमिनस क्रॉप हैं, उनमें से किसी को आना चाहिए, तो मेज, टोरिया और वीट, तो एक बार तो यह ठीक है, नहीं है लेकिन फिर भी पेडी, वीट और कॉबी,
ये भी ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं। और पेडी पोटैटो शुगर केन, ये भी ठीक नहीं है। सोयाबीन व्हीट एंड ग्रीन ग्राम, ये बेस्ट है। इसमें क्या सॉल्व फर्टिलिटी कम, क्योंकि पहले सोयाबीन हो गया, देन व्हीट किया, फिर ग्रीन ग्राम किया, तो दिस इज द बेस्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कंपेयर्ड विथ द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सोल क्रॉप सोन इन द सेम पोर्शन ऑफ सोयम पोर्शन इस टाइम एज। मैं ये पूछ रहे हैं कि इंटरक्रॉप में जो एक सेम एरिया में इंटरक्रॉप में और सोल क्रॉप में अगर यील्ड सेम है तो इसको क्या बोलेंगे। तो इसको दोस्तों बोलते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशो बोलते हैं, क्योंकि ये लैंड इक्विवेलेंट है। तो प्रोडक्टिव ऑफ इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सोल क्रॉप। तो दोस्तों दोनों में ही सोल क्रॉप में और इंटरक्रॉप में बराबर बता रहा है लैंड या सेंड, तो लैंड इक्विवेलेंट रेशो हो गया ये, तो इसमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स शेड्यूल इज द रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। तो ये इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में जो फर्टिलाइजर का है इसका क्या होना चाहिए। तो वो फुल रिकमेंड डोज ऑफ द बोथ ऑफ द मेन क्रॉप एंड इंटरक्रॉप, ये गलत है। फुल रिकमेंड डोज ऑफ मेन क्रॉप एंड हाफ इंटरक्रॉप, गलत है। हाफ रिकमेंड डोज ऑफ मेन क्रॉप एंड इंटरक्रॉप, गलत है। फुल रिकमेंड डोज ऑफ मेन क्रॉप, इसका मीनिंग है कि जो मेन क्रॉप है उसका रिकमेंड डोज डाल दो, तो इंटरक्रॉप भी इसमें बढ़िया रिस्पॉन्स करती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रसिस्ट एन एप्रिसिएबल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड एज। दोस्तों जहाँ रसिस्टेंट चेंज इन पीएच, तो जहाँ पीएच चेंज नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वहाँ होता है जहाँ पर पीएच ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आयंस चेंज होते हैं। परसेंटेज सेचुरेशन यहाँ भी हो सकता है, आयन एक्सचेंज कैपेसिटी यहाँ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल मेक्स यूज ऑफ, तो जो मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ जो सॉइल है मेक्स यूज ऑफ, तो कौन सा लॉज इसमें आता है। तो दोस्तों इसमें स्टॉक्स लॉ आता है, कौन सा आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, स्टॉक्स लॉ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग ज्योमेट्री इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज सिस्टम प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इन सेमी एरिड एंड सब इकोसिस्टम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि नॉर्मल प्लांटिंग तो होगा ही नहीं, स्किप रो प्लांटिंग हो सकता है 100%, 3 रो ऑफ मेन क्रॉप, 2 रो ये भी नहीं होगा, 4 रो। तो दोस्तों स्किप प्लांटिंग करते हैं किसमें, सेमी एरिड और सम ह्यूमिड में, तो ये इसका जो है बी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमिक एसिड इज द फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस बेस इज। तो दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन पूरा नहीं आया है, जो ह्यूमिक एसिड होता है वो उस सोलुबल इन अल्कली एंड बी इस दिखा एंड इनसोलुबल इन एसिड। तो जो ह्यूमिक एसिड होता है दोस्तों, जो अब आप मान लो जो पहले से ही एसिड है, तो वो एसिड एसिड सोलुबल सोलुबल थोड़ी होता है, तो ये सोलुबल इन अल्कली होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ, जिसका आंसर आप 100 क्वेश्चन लिख के मुझे रिप्लाई करना प्लीज, कि शुगर केन में ट्रेंच मेथड ऑफ प्लांटिंग किस तरह के शुगर केन ये करते हैं, मींस ड्वार्फ के लिए करते हैं, टाल के लिए करते हैं, सेमी ड्वार्फ के लिए, मींस ट्रेंच मेथड कहाँ सूटेबल होती है, किस तरह की वैरायटी के सूटेबल होती है, आप इसका मैं आंसर देके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज घर में रहें, सेफ रहें और सरकार के नियमों का पालन करें और हमारे मोदी जी को सपोर्ट करें। थैंक यू।